आज दिनांक 2 जनवरी 2024 को देश के विभिन्न हिस्सों में परदादा परदादी एजुकेशनल सोसाइटी में 7 अंतर्राष्ट्रीय कवियों और कवियत्रियों ने आकर संस्था द्वारा किए गए कार्य को देखा, जिसमें राजेश चेतन जी भिवानी हरियाणा जो कि वीर रस के कवि हैं तथा एक अद्भुत कोच और समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में माने जाते हैं। महेश दुबे जी एक हास्य रस के कवि हैं तथा ये अपनी हास्य कविताओं तथा शायरियों के लिए जाने जाते हैं। योगेंद्र शर्मा जी ये वीर रस के कवि हैं और तथा यह परमवीर योद्धाओं के लिए अपने देशभक्ति की कविताओं के लिए जाने जाते हैं। सरला मिश्रा जी यह अपने सुरीले काव्य पाठ से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने के लिए जानी जाती हैं। डॉक्टर स्वदेश सिंह चौरारा यह कवित्री के साथ साथ एक शिक्षिका के रूप में भी जानी जाती हैं। मनोज मनमौजी जी यह एक हास्य व्यंग कवि के रूप में जाने जाते हैं। कमांडो समोद सिंह चरोरा यह एक वीर रस के कवि हैं तथा ये पूर्व सैनिक कमांडो भी रह चुके हैं। इस अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत की। बता दें कि सभी परदादा परदादी संस्था द्वारा किए जा रहे कार्य की जमकर सराहना की गई। अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री के शर्मा जी ने सभी को मोमेंटो तथा शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। सभी सम्मानित साहित्यकारों ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन सभी को आशीर्वाद दिया तथा अपने ओजपूर्ण वाणी से कविता पाठ करके समुचित विद्यालय को मंत्रमुग्ध कर दिया। ब्लॉक प्रमुख अनूप शहर श्री अतुल कुमार जी ने सभी का हृदय से आभार व्यक्त किया और उनसे अनुरोध किया कि इस मुहिम में वो अन्य अच्छे लोगों को भी जोड़कर इस कार्य में सहयोग प्रदान करें। देखिए बुलंदशहर से संवाददाता रविन्द्र कुमार इंसा के साथ योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। गंगा के किनारे खड़ा हूँ, लेकिन